मैडम सर, आपने ये फाइल मंगवाई थी? हाँ हाँ, रख दीजिए प्लीज। काफी रात हो गई मैडम सर, आपको घर नहीं जाना? हाँ पुष्पा जी, बस ये खत्म करके जा ही रहे। अब ये भी तो जरूरी है ना, हमारे बाद जो भी ऑफिसर यहाँ आएगा इस कुर्सी पर, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड हो, सारा सिस्टम हो, सब कुछ अच्छे से हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके बात मतलब हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते पुष्पा जी, हम ये थाना छोड़कर जा रहे हैं। हमने करिश्मा सिंह के साथ मिलकर काम करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अब हो पाएगा। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप मैडम सर? शायद यही सही है पुष्पा जी, हम दोनों के लिए भी और इस थाने के लिए भी। सारा पेपर वर्क हो चुका है, ट्रांसफर ऑर्डर्स भी बस आते ही होंगे। आप पैसे कैसे कर सकती हैं? आप यहाँ से नहीं जा सकती, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अब पुष्पा जी रिलैक्स। चलिए एक शेर सुनाते हैं आपको। दिल में खलिश लिए मुस्कुराते रहे, माफ कीजिए हमसे ना हो पाएगा। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहे, माफ कीजिए हमसे ना हो पाएगा। तजुर्बा कहता है हमारा पुष्पा जी कि जब लड़ाई जिद बन जाती है ना, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, और हम इस बुराई का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहते। सब कहते हैं ये अगर थाना शरीर है तो आप इस शरीर की आत्मा है। इस आत्मा के बिना इस शरीर का क्या मोल है बताइए? आपके बिना हम क्या करेंगे? पुष्पा जी, इस थाने की आत्मा हम नहीं, ये वर्दी है। और आपसे झूठ नहीं कह सकते, लेकिन बुरा तो हमें भी लगेगा आप सबको छोड़कर जाने में। इस थाने से, आप सब से, इस तरह से अलग हो जाने में। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम सर। अकेले कमाल है मैडम सर, और साथ मिल जाए तो भौकाल है। दोस्त बनकर बहुत अच्छा साथ दिया आपने हमारा मैडम सर। आपकी किसी भी दलील का असर अब हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमने हसीना मलिक का असली चेहरा देख लिया है। मैडम सर इस थाने से
हम जाने ही नहीं देंगे पुष्पा जी, चलिए जाके मैडम सर से बात करते हैं, चलिए। वो नहीं मानेंगी संतू, फैसला कर चुकी है वो यहाँ से जाने का, और अगर वो नहीं गई ना तो करिश्मा मैडम यहाँ से चली जाएंगी। दोनों तरफ से अंग तो अपने ही शरीर का कटेगा ना, दर्द तो हमें ही होगा। एक बहू है और दूसरी अपनों से बढ़कर, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें हम। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि ये सब छोड़ के वीआरएस लेके चले जाएं हम, ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे सामने और ना ही ये सब देखना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, मैं भी ट्रांसफर ले लूंगी, क्योंकि करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बिना मेरा यहाँ क्या काम है, मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, मैं भी ट्रांसफर ले लेता हूँ। मतलब ये अपना बिल्लू निवास छोड़ के चला जाऊंगा? अरे परिवार से घर होता है, परिवार ही नहीं तो घर कैसा, बिल्लू निवास कैसा। हे भगवान, ऐसे तो थाने का पूरा परिवार बिखर जाएगा, अब आप ही कुछ कीजिए, बचाइए हमारे थाने को। पूरे डिपार्टमेंट पे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये देखो। महिला पुलिस थाने के सीनियर अफसरों में हुई आपसी मतभेद। इसके पहले भी इन दोनों के बीच हमने सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। Now I have to take strict action. उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। मतलब? मैं समस्या को समाप्त कर सकता हूँ। But how? उन दोनों के बीच सुलह करवा के। ये इतना आसान नहीं है अनुभव जितना तुम समझते हो। सर आसान या कठिन ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है सर। अभी इसका परिचय तो मैंने आपको कल ही दिया है, और वैसे भी दो औरतों के बीच सुलह करवाना कितना कठिन हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें डीएसपी की पोस्ट पर अपॉइंट करता हूं। जो डीएसपी पहले था उसने अपने होम टाउन में ट्रांसफर करा लिया है, इसलिए ये पोस्ट खाली हो गया है। तुम्हारे डेस्क जॉब की डिमांड के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। धन्यवाद सर। जय हिंद। जय। अनुभव। जी सर। मेरी एक शर्त है। अब क्या सर? तुम्हें इन दोनों के बीच सुलह करानी ही होगी। अरे सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, आप निश्चिंत रहिए। अनुभव, मुझे तुम्हारे टैलेंट और काबिलियत पर बहुत भरोसा है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, जितना आसान तुम औरतों को समझते हो उतनी वो होती नहीं। ये सब क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो हमें आपको देने हैं, ये लीजिए। हमें क्यों दे रही है? हम नहीं चाहते कि आप किसी भी चीज को लेके हमें मिस करें, इसलिए हम पहले से सारा इंतजाम करके जा रहे हैं ताकि हमारे पीछे से आपको किसी भी चीज का दिक्कत ना हो और आप हमें मिस ना करें। मतलब हम ये थाना छोड़कर जा रहे हैं। क्या? जी, जब डिपार्टमेंट ने ठान ही लिया है कि हम दोनों एक साथ एक थाने में काम नहीं कर सकते हैं, हमको अलग करने का फैसला कर ही लिया है, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही यहाँ से चले जाए, बाकी सबका मुराद भी पूरा हो जाएगा। ऐसा करने में आपने देर कर दिया करिश्मा सिंह, क्योंकि हम ये फैसला ऑलरेडी ले चुके हैं। हम ये थाना छोड़कर जा रहे हैं, सारा पेपर वर्क हो चुका है, ट्रांसफर ऑर्डर्स भी बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। हम भी आपके पास ये आपको सब कुछ हैंडओवर करने ही आ रहे थे। हमारे जाने के बाद ये थाना आपका होगा, आप इसकी इंचार्ज होंगी, जो करना है करिए, अपने तरीके से चलाइए, आपको कोई नहीं टोकेगा। आपको ये तय करने का अधिकार किसने दे दिया कि हमें हमारे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैडम सर, हम ये फैसला ले चुके हैं कि हम ही यहाँ से जाएंगे, और ये तो पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का और अपने फैसले का कितना पक्की है। आपकी प्रॉब्लम क्या है करिश्मा सिंह? क्यों आप हमारी हर बात पर मुखालफत ही करती हैं? डिसएग्री। आप भी तो आज तक अपने सारे फैसले हम पर थोपती आई हैं ना मैडम सर। हम आप पर कुछ नहीं थोपते करिश्मा सिंह, हम एक सीनियर के हैसियत से अपने जूनियर को ऑर्डर देते हैं। नहीं नहीं मैडम सर, वो आपका पर्सनल आइडियोलॉजी है जो आप ऑर्डर्स के नाम पे हम सब पर थोपती हैं, वो आपका सो कॉल्ड जज्बातों वाला आइडियोलॉजी जिससे हम कभी सहमत नहीं है। पुष्पा जी, ये दोनों तो फिर से लड़ पड़ी। ये अपना अपना नजरिया है संतू,
जहां से तुम देख रही हो ना, तुम्हें लग रहा है ये दोनों झगड़ा कर रही है, मगर जहां से हम देख रहे हैं इन दोनों में बेइंतहा प्यार नजर आ रहा है हमें। यही तो मुश्किल होती है प्यार में, दिखाई नहीं दिखता, छुपाई नहीं छुपता। शिव जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इन दोनों के साथ? कुछ तो कीजिए, किसी को तो भेजिए जो इन्हें समझा सके कि साथ रहना कितना जरूरी है, एक दूसरे की कद्र करना कितना जरूरी है। क्या हम भीतर आ सकते हैं? कि वही है जिन्होंने किडनैप हुए बच्चों की जान बचाई, पर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इन्होंने डीएसपी वाली यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? पर ये आपको क्या है? क्या ये टक 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 मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता, सॉरी। वैसे तो इतना बकर बकर करता है, शुरू होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेता, मगर फटे मुझसे ये नहीं बोला गया कि वो यहाँ आ रहा है। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते हैं बहुत अच्छा, हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? कौन है? हमारी लाडली बहू रानी करिश्मा सिंह का चचेरा भाई अन्नू। आप यहाँ? हाँ, वो हमने हमारी एक कीमती चीज आपको दी थी संभाल कर रखने के लिए, आपने लुटाई नहीं। आप वो लेने यहाँ आए? और क्या। संतोष शर्मा, हमने आपको कल जो चीज दी थी वो जरा वापस कीजिए। धन्यवाद। घुमाया तो नहीं ना? कोई बात नहीं। अब आप सच सच बताइए कि आप यहां क्या कर रहे हैं अनु? मर्यादा का ध्यान रखिए, अनु नहीं, अनुभव सिंह, इस शहर के नए डीएसपी और आप सभी के उच्च अधिकारी। आज ही नियुक्ति हुई है, देखना चाहेंगे? जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। कौन बोला भाई? इधर सर, लॉकअप। अरे आप भी हैं? हाँ। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। क्या आप सब लोग हमें ये बता सकते हैं कि जो बाहर मेल मिलाप हो रहा था वो क्यों हो रहा था? सर, मतलब क्या करेक्ट टाइम पे आपने एंट्री ली है ना सर, मान गए। वैसे हम सब ने देखा था कि कैसे आपने वहाँ पे किडनैपर को हैंडल किया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल की। मतलब और कोई हो ना हो, लेकिन मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ। पुष्पा जी, अभी बाहर आप कह रही थी ऐसे करती हूँ आपको तो आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे गुदगुदी होती है, मत करो। सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं, अपनी बात समाप्त कीजिए, हम सुन रहे हैं। अच्छा सर, आप इतनी अच्छे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए ना, कि यहाँ से कौन जाएगा और कौन नहीं। कोई नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा कांस्टेबल संतोष शर्मा। माफ कीजिए सर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों एक थाने में नहीं रह सकते, हमारे ट्रांसफर ऑर्डर्स भी ऑलमोस्ट आने ही वाले होंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। मिस मलिक, संभवतः आप ये भूल रही हैं कि हम आपके पदाधिकारी हैं और कमिश्नर साहब ने स्वयं ये हमें अधिकार दिया है कि उनके द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश हम कभी भी और किसी भी समय खारिज कर सकते हैं और उसकी जगह एक नया आदेश जारी कर सकते हैं। और अब हम अनुभव सिंह एक नया आदेश जारी करते हैं और वो ये है कि इस थाने से ना आप जाएंगी और ना आप, बल्कि आप दोनों इस थाने में खुशी खुशी ड्यूटी करेंगी। माफ कीजिए सर, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। ओ, तो हम नहीं समझ रहे, तो समझाइए। मतलब इन हालातों में हम दोनों में से किसी एक का यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा,
दरअसल हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी सोच, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे काम करने का तरीका सब कुछ बिल्कुल अलग है। हम एक साथ एक टीम बनकर काम कर ही नहीं सकते, और अगर हमने जबरदस्ती ऐसा किया तो केस को भी नुकसान पहुंचेगा और डिपार्टमेंट की रेपुटेशन को भी। हमें जाने दीजिए ना अनु सर। अनु सर, हमें जाने सर। अच्छा होगा हम में से एक स्थान से चला जाए, क्योंकि हमारा साथ में काम करना ना असंभव है। हमारा सोच बिल्कुल नहीं मिलता है। सोच अभी तो मिल रही थी, अभी तो थोड़ी देर पहले आप दोनों ने ही स्वीकार किया कि आप में से किसी एक को स्थाने से जाना है। वैसे आरंभ बुरा नहीं है, लेकिन हमारा निर्णय अटल है। इस थाने से कोई नहीं जाएगा अभी के लिए, ना कोई ट्रांसफर और ना कोई विदाई। ये हमारा आदेश है, हम साथ साथ हैं। धन्यवाद। माफ कीजिए सर, लेकिन आप जबरदस्ती हमें एक साथ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। हमें भी सर, हमें भी। बहुत बढ़िया, पर प्रश्न ये उठता है एसआई करिश्मा सिंह कि वो एक कौन होगा, कौन रहेगा और कौन जाएगा। जो भी इस रस्सी की गांठ को खोलेगा वो मेरी तरफ से इस थाने से जा सकता है, और जो नहीं खोल पाएगा वो यहीं रहेगा। परंतु इस खेल में एक अचंभित मोड़ है। अचंभित मोड़? ट्विस्ट। ओ धन्यवाद, वेरी गुड। और वो मोड़ ये है कि आप दोनों को इस गांठ को खोलने के लिए सिर्फ एक ही हाथ का उपयोग करना होगा। तो आइए सिद्ध कीजिए कौन रहेगा और कौन जाएगा। देखिए, हमने रस्सी का गांठ खोल दिया है बिना दूसरा हाथ इस्तेमाल किए। अब यहां से जाने के लिए हम दोनों आजाद हैं। आप तय कीजिए कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। अवश्य अवश्य, लेकिन उससे पहले हमें आप दोनों से एक छोटी सी बात पूछनी थी कि एक मामूली गांठ को खोलने के लिए आप दोनों को एक दूसरे के सहायता की आवश्यकता पड़ी, तो क्या ऐसा महिला थाना जिसकी मिसाल पूरा देश दे रहा है इसे चलाने के लिए आप दोनों को एक ही जिद की पड़ी है? तो ज्ञान की बात यह है कि जो शक्ति मिलकर किसी भी समस्या को सुलझा सकती है वो अकेले में कहां। जीनियस सर। धन्यवाद धन्यवाद, आप दोनों ही इस महिला थाने के हाथ हैं।
ये था ना, आप दोनों के बिना अधूरा है। समस्या चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा समय देने पर कोई ना कोई हल जरूर निकल आता है। अभी आप दोनों के ऊपर है कि आप दोनों छोटे बच्चों की तरह रूठ कर बैठना चाहती हैं, या एक परिपक्व इंसान की तरह एक दूसरे को एक और मौका देना चाहती हैं। मेरे लिए नहीं, इस महिला थाने के लिए, इस शहर के लिए, यहां के लोगों के लिए ये मेरा आदेश नहीं है, मेरा निवेदन है।